हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के हमीरपुर इकाई की बैठक जिला अध्यक्ष अजमेर ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में पेंशन समय पर ना मिलने पर प्रदेश सरकार व प्रबंधन के प्रति रोष प्रकट किया गया और पेंशन के स्थायी समाधान के लिए कल्याण मंच द्वारा बार बार सरकार से मांग की जा रही है, परंतु आश्वासनों के अलावा सरकार ने अभी तक कुछ नहीं दिया है। उनका आरोप है कि चाहे सरकार कांग्रेस की हो या भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन अभी तक केवल मात्र आश्वासन ही मिले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर से भी कल्याण मंच धर्मशाला में मिला था, लेकिन वहाँ भी केवल मात्र आश्वासन ही मिले थे, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं लिया गया है। परिवहन सेवा कर्मचारी कल्याण मंच सरकार से मांग करता है कि इनकी समस्याओं का जल्द निपटारा किया जाए तथा पेंशन का स्थायी समाधान बजट द्वारा करना सुनिश्चित किया जाए, ताकि बुढ़ापे के समय में उन्हें दर दर की ठोकर ना खानी पड़े। अपनी प्रमुख मांगों के बारे में बताते हुए अजमेर सिंह ठाकुर ने कहा कि लीव इनकैशमेंट और ग्रेजुएटी व चिकित्सा भत्ता और अन्य भत्ते अभी तक दे हैं, जो कि उन्हें नहीं मिले हैं। उनका कहना है कि 65 वर्ष 70 और 75 वर्ष आयु पूरी कर चुके पेंशनरों को पूरे लाभ मिलने चाहिए जो अन्य कर्मचारियों को मिलते हैं। वहीं उन्होंने 2017 व 2018 में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को अभी तक पेंशन दे ना होने का भी मामला उठाया। आज हमीरपुर इकाई की परिवहन सेवा कर्मचारी कल्याण मंच की बैठक मासिक बैठक हुई है और इस बैठक में जो पेंशन हमारी लेट मिल रही है 2 महीने से, उसके बारे में चर्चा की गई कि पेंशन हमारी जो है 1 तारीख को हर माह मिलनी चाहिए और पेंशन का जो हमारा स्थायी समाधान जिसके बारे में भाजपा सरकार ने धर्मशाला में आश्वासन दिया था कि आपकी समस्या जो है गंभीर है और इसके बारे में ठोस निर्णय लेने पड़ेंगे, परंतु 1.5 साल सरकार को बने हुए हो गया है, अभी तक पेंशन के स्थायी समाधान के बारे में कोई भी बात नहीं हुई है और ना ही इसका स्थायी समाधान किया गया है। तो हम सरकार से फिर मांग करते हैं कि जैसा कि बिलासपुर में पूर्व प्रकोष्ठ कर्मचारी भाजपा कर्मचारी की बैठक हुई थी, उसमें हम लोग भी गए थे और वहाँ पर हमने जोर शोर से इस बात को रखा था। हमारे माननीय ठाकुर ब्रिजलाल जी प्रदेश उपाध्यक्ष वहाँ थे, उन्होंने इसकी चिट्ठी लिखकर माननीय धूमल जी को व भाजपा के महामंत्री प्रदेश के महामंत्री भवन राणा जी को पत्र देकर, और उन्होंने भी जोर शोर से कहा था कि परिवहन के सेवानिवृत्त कर्मचारी जो हैं पेंशन के समस्या के बारे में बहुत जूझ रहे हैं, इनकी समस्या का समाधान हम जल्दी करवाएंगे, परंतु अभी तक भी कोई समाधान नहीं हुआ है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी पेंशन का स्थायी समाधान बजट द्वारा किया जाए, ताकि बुढ़ापे में हमें पेंशन की समस्या लेकर जो है दिक्कत ना आए, ताकि बुढ़ापे में हम लोग बीमार भी रहते हैं, कई लोग हमारे बीमार हैं, हमारे कई भाई जो है बीमारी के कारण स्वयं सुधार गए हैं, तो पेंशन अगर समय पर मिलती है तो लोगों के पास पेंशन का पैसा होगा, अपना इलाज करवा सकता है। आज ऐसी दिक्कत आ गई है कि 24 और 25 तारीख को पेंशन मिल रही है, तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारी पेंशन 1 तारीख को रिलीज करे, सभी लोगों को 1 तारीख को पेंशन मिले, ताकि वो अपने परिवार में ठीक ढंग से गुजर बसर कर सके। दूसरी समस्या ये है कि जैसे कि सरकार ने हमें डीए दिया है, तो डीए का हमारा एयरवे बना हुआ है और एयरवे बने हुए को ही 4-5 महीने हो गए हैं, तो हमारा पैसा जो है वो सरकार के पास लटका हुआ है, तो हम चाहते हैं कि सरकार हमें जो है एयरवे का पैसा, हमारी बकाया राशि जो है की उसकी डीए की, उसे भी जल्द देने की कृपा करे, और जिन लोगों को अभी तक पेंशन नहीं लगी है उनको पेंशन लगनी चाहिए, जिनके ग्रेजुटी लीव इनकैशमेंट अभी तक सरकार के पास प्रबंधन के पास लटके हुए हैं, उन मामलों को भी जल्दी से जल्दी सरकार निपटाए और उन लोगों को भी राहत दे।